महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर संसद में जो हंगामा हुआ उसकी कोई आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि सारा प्रकरण उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। कहीं इस हंगामे का कारण यह तो नहीं कि विपक्ष उच्चतम न्यायालय से तत्काल राहत की जो उम्मीद कर रहा था वह पूरी नहीं हुई। सच्चाई जो भी हो, विपक्ष और ख़ासकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति की आधारशिला जिस शिवसेना ने रखी उसे गले लगाने का काम वे खुद कर रही हैं। जैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवसेना ने घोर राजनीतिक मौका परस्ती का परिचय दिया, वैसे ही इसमें भी नहीं कि यही काम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी किया। जब शिवसेना को चुनाव पूर्व गठबंधन तोड़ने के लिए धिक्कारा जाना चाहिए था तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उसे प्रोत्साहित करने का काम किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सत्ता की मलाई चखी जा सके। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो इस तरह विलाप कर रही है मानो महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का जनादेश दिया हो। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तब फिर संविधान और लोकतंत्र की हत्या का शोर मचाना, अपनी सत्ता लोलुपता पर पर्दा डालना ही है। इससे इनकार नहीं कि भाजपा ने अजीत पवार संग सरकार गठित कर सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति की अनदेखी की है और इसीलिए उसे कई कठिन सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन किसी राजनीतिक दल और कम से कम कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं शिवसेना को राजनीतिक नैतिकता की दुहाई देने का अधिकार नहीं। राजनीतिक नैतिकता का सवाल तो वही खड़ा कर सकता है जिसने खुद को जोड़ तोड़ से सरकार बनाने से दूर रखा हो। यदि कोई यह समझ रहा है कि वह संसद में अनावश्यक उग्रता दिखाकर और धक्का मुक्की कर खुद को सही साबित कर सकता है तो ऐसा नहीं होने वाला। क्या यह उचित नहीं होता कि संसद में हंगामा करने के बजाय उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाता? राजनीतिक दलों को यह भी समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है अथवा इसके पहले कर्नाटक में हुआ उसका कारण राजनीतिक मौका परस्ती तो है ही। ऐसे प्रश्नों का अनुत्तरित रहना भी है कि अगर किसी दल को बहुमत ना मिले तो बिना जोड़ तोड़ के सरकार का गठन कैसे हो सकता है। ऐसे अनुत्तरित प्रश्न ही राजनीतिक अनैतिकता को
बढ़ावा दे रहे हैं।